हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है नाइट्रोजन गैस किप्ड इन ओपन बीकर। ठीक है, कहाँ रखा गया ओपन बीकर? एट 273 केल्विन 1 atm प्रेशर। इफ द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग सडनली फॉल टू 0.5 atm एंड द टेम्परेचर इंक्रीज टू 546 केल्विन, प्रेशर घटता है टेम्परेचर बढ़ता है, देन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, उस समय परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना बचेगा इन बीकर इज Mn परसेंट। Mn परसेंट बचा है एट द इनिशियल अमाउंट ऑफ द इनिशियल अमाउंट का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ m प्लस n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को टोटल वॉल्यूम यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट है और हम लोग को इनिशियल मोल n मान लेते हैं। लेट अस सपोज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल, द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन बीकर इक्वल्स टू एन। ठीक है, टोटल वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट, टोटल वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट, पीपी इक्वल्स टू एन आर टी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर यहां पर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो पी इक्वल्स टू एन आर टी यही होगा, और अगर यहां से n का फॉर्मूला निकाल लें तो n इक्वल्स टू p बाय आर टी, ऐसा होगा क्या? अगर रेट कांस्टेंट, अगर हम इसी चीज को अगर ये r प्रोपोर्शनल को यहां से हटा देते हैं तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p बाय t, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p बाय t, ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग एन का वैल्यू जब ये निकालते हैं तो एक इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं, एन वन बाय एन टू इक्वल्स टू पी वन बाय टी वन बाय पी टू बाय टी टू। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एन वन बाय एन टू इक्वल्स टू पी वन बाय पी टू इंटू T1 बाय T2। सॉरी, T2 बाय T1। ओके, ये तो ये कैसा हो जाएगा अगर हम लोग यहां पे वैल्यू पुट करें, तो P1 का वैल्यू क्या था? 1 atm P1 था और 273, तो 1 atm का प्रेशर था ये P1 और बाद में प्रेशर 0.5 हो गया और T2 था 546 और ये था 273। 273 से ये कट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आ जाता है 4। ओके, N1 इक्वल्स टू 4N2, तो इसका मतलब क्या हुआ? द फाइनल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको अगर परसेंटेज में निकाल दें तो ये परसेंटेज में 25% के ऑलमोस्ट निकलेगा। तो द फाइनल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द बीकर इज 1/4, 1/4 ऑफ द इनिशियल अमाउंट। ठीक है, इनिशियल अमाउंट में जो है अगर N2 का वैल्यू निकालोगे तो N1 बाय 4 हो जाएगा, N1 बाय 4, तो ये इसका इनिशियल अमाउंट जो भी था उसका 1/4 पार्ट है N2, मतलब कि 25% है ना।
तो 25% यहाँ पे दिया गया है mn परसेंट, तो mn की जगह पे आया 25%, तो m के जगह पे 2 और n के जगह पे 5, तो m इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है m प्लस n इक्वल्स टू व्हाट, तो m का वैल्यू हो गया 2 एंड n का वैल्यू हो गया 5, तो टोटल हो गया 7। तो राइट आंसर इज 7। दैट्स ऑल, थैंक यू।